Good morning guys, this is Deepak and you're watching Extreme Moto Adventure. तो कुछ दोस्त दिल्ली से आ रहे हैं, अभी हम हैं लेह में, सुबह के 7:30 बजे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने टैक्सी पकड़ ली होगी, तो शायद हम बीच में ही पिक कर लेंगे। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे राइडर्स से जिन्होंने कुछ ऐसा किया है राइडिंग कम्युनिटी में जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और उनके अचीवमेंट्स बहुत ही शानदार हैं, ज़्यादातर फास्टेस्ट हैं। पहला मैं रोहित मिश्रा की बात करता हूँ। रोहित मिश्रा ने 21 घंटे 30 मिनट में दिल्ली टू लेह किया हुआ है ना, गजब। और सेकंड है सोहेल खान भाई, जिन्होंने 29 दिन में 29 डेज में ऑल इंडिया 29 स्टेट्स किए हुए हैं। सो रोहित भाई, सोहेल भाई और दो बंदे और हैं जो आए हैं। और रोहित भाई अंदर ही कर रहे हैं ना, बढ़िया सर। और सुनाओ, क्या नाम? अमित। ओके हैं, अच्छा उधर खुलेगा। बस बढ़िया भाई, और सुना? एकदम बढ़िया। तो सारी बाइक्स तैयार हैं, रोहित भाई, सोहेल भाई, और एक नया एडवेंचर शुरू होने वाला है। आज हम जा रहे हैं हनले। सोहेल भाई चला रहे हैं हिमालयन, रोहित भाई भी हिमालयन चला रहे हैं। अरे सोहेल वो सही है, पृथु दा भी हिमालयन पे है, मैं डोमिनार पर। हुआ चलो, भाई। चलो मैं आगे चलता हूँ, चलो चलो हम पेट्रोल पंप मिल रहे हैं, आ जाओ। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, टाइम हुआ है 11:41, 12 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं। बाइक्स आने में देर हो गई क्योंकि वो रेंटेड बाइक्स थी और काफ़ी टाइम लगा दिया बाइक्स अरेंज करने में। और हेमंत सर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। आ रहा हूँ। सो यहाँ पर उपशी में रुके हम और लंच के लिए बिल्कुल सही जगह है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है तो लीजिए, यहीं पर हम बैठ जाते हैं। नाइस। टाइम क्या हुआ? मेरे ख्याल से 1 बज गया होगा, डेढ़ बज गया। और 1:30 बजे हम लंच कर रहे हैं उपशी में,
और हमने एक्स्ट्रा गॉगल्स भी लिए हैं यहीं से। रेट कुछ ज़्यादा है तो लोकल। तीन चार तोड़ चुके हैं ऑलरेडी, दो मैं तोड़ चुका हूँ, बाकी पृथुदा दो खो चुके हैं। एक तोड़ चुका हूँ। ओके, एक दीपक घुमा चुका है। नाइस। राजदान पास पे। चलिए और देखिए पहाड़ को काट कर बिल्कुल रास्ता बनाया हुआ है, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। और कहने को ये हाईवे है हनले के लिए, मेन हाईवे, लेकिन रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ये सोहेल भाई उड़ाते हुए हिमालयन को, रोड तो बिल्कुल भी नहीं है। टॉमिना तेरा क्या होगा। और सिड गलत रास्ते पे चला गया तो वापसी आ रहा है, हमें इस पुल से क्रॉस करना है जो नीचे था, ऊपर वाला अभी बन रहा है। आई होप कि अब रोड्स आ जाएं। बहुत टॉर्चर हो गया डोमिनार के साथ। ओ मैन आयशा, और देखिए पर्पल कलर के पहाड़ है यहाँ पर, और इस साइड काफ़ी शेड है। द सोल इज मॉर्टल, यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है सैनिकों को। एक छोटा सा मेमोरियल बनाया हुआ था। हमें पहुँचने की काफ़ी जल्दी है, शाम होने से पहले हमें हनले पहुँचना है, तो हम ज़्यादा ब्रेक ना लेके आगे बढ़े जा रहे हैं। रोड्स काफ़ी ख़राब थे पीछे, इस वजह से भी काफ़ी टाइम लग गया। जस्ट हमने कवर किए 60 किलोमीटर और अब चुमाथांग रह गया है 28 किलोमीटर यहाँ से। और देखिए क्या शानदार रोड है, नाइस नाइस। और रोहित भाई मेरे आगे चलते हुए, और ज़बरदस्त ठंड लग रही है, शाम होने वाली है, सूरज ऑलमोस्ट ढलने वाला है। पैराडाइज रेस्टोरेंट में हमने चाय पी, ब्रेड टोस्ट खाए, थोड़े से रिफ़्रेश हुए, पावर नैप लिया सीड भाई ने। तो हम निकल रहे हैं चुमाथांग से, 5:30 बज चुके हैं, हमारी बैंड बज चुकी है, हवा तेज़ चल रही है, ठंड ने कहर ढा रखा है। तो राइडर्स चल रहे हैं मस्ती में, फॉर्मेशन में ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है। ये जो हिमालयन है ये खिंच नहीं रही जिस पे रोहित भाई राइड कर रहे हैं, काला धुआं भी काफ़ी दे रही है।
ठंड काफी बढ़ चुकी है और मन कर रहा है जल्दी से जल्दी हनले पहुंचकर बिस्तर में घुसा जाए, लेकिन अभी भी हनले बहुत दूर है। रात आराम से हो जाएगी मेरे ख्याल से, 8 तो कम से कम बज ही जाएंगे। देखिए क्या शानदार सनसेट हो रहा है। तो यहाँ से होरला जाते हैं नयोमा और लोमा इधर। ओ ओ ओ और पुतु था यहाँ पर फोटोग्राफ लेते हुए, हमारी भी ले लो, खींच लो, ऐसे ही ऐसे ही। रात के 8:30 बज रहे हैं और वीरान राहों पर हम चले जा रहे हैं अपने मंजिल की ओर, जो कि है हनले। और हनले रह गया है यहाँ से 30 से 32 किलोमीटर और मेरे ख्याल से 9:30 बजे तक हम हनले पहुँच जाएंगे।